मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी लोगों के सामने क्लास 9 का हमारे सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, इसी चैप्टर्स के हम आगे के टॉपिक को बात करेंगे। इससे पहले कि अगर आपने हमारे वीडियोस देखे होंगे तो उसमें मैंने आपको परवेज मुशर्रफ के पाकिस्तान के बारे में बताया था, चाइना और मैक्सिको के बारे में बताया था। तो आज हमारा जो टॉपिक जो है वो है वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, ठीक है। तो यानी मतलब ये है कि डेमोक्रेसी का ये एक फीचर है, लोकतंत्र की ये खासियत है कि हर लोकतांत्रिक देश में सभी नागरिकों को एक जो है वोट जो है का अधिकार मिलना चाहिए, यानी एक व्यक्ति एक वोट और उस वोट का वैल्यू एक होना चाहिए। वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू। तो डेमोक्रेसी में वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू की फीचर्स जो है वो होना जरूरी है। तो आइए जानते हैं कि क्या विश्व के कुछ देशों के बारे में हम जानेंगे और उसके जरिए हम समझेंगे क्या वहां पर डेमोक्रेसी के ये फीचर एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सऊदी अरेबिया का। सऊदी अरेबिया एक ऐसा जो है कंट्री है जो कि एक मोनार्कियल कंट्री है, एब्सोल्यूट मोनार्की कंट्री है वो, ठीक है। तो सऊदी अरेबिया जो है यहाँ पर आपको जो है महिलाओं को वोटिंग का अधिकार नहीं था, लेकिन वर्ष 2015 से ही जो है महिलाओं को वोटिंग का अधिकार यहाँ पर दिया गया। दूसरी बात आपको मैं ये बतला दूं, सऊदी अरेबिया के बाद हमें जानना है फिजी के बारे में। फिजी एक आइलैंड नेशन है जो कि साउथ पैसिफिक ओशियंस के तरफ आपको मौजूद है। ये एक वॉल्केनिक आइलैंड वाला नेशन है, ठीक है, जो कि दक्षिणी प्रशांत महासागर के तरफ आपको स्थित है। तो यहाँ पर फिजी के बारे में ये जानिए कि फिजी जो है यहाँ पर आपको जो है जो मूल रूप से जो फिजियंस जो है ना उनकी वोटिंग का वैल्यू क्या है, ज्यादा है इन कंपेयर टू द इंडियन फिजी। यानी वो भारतीय भारत के वो लोग जो कि फिजी में जाकर जो बसे हुए हैं उनके मुकाबले क्या है, वहाँ के जो मूल फिजियंस जो हैं उनकी वोट की वैल्यू ज़्यादा है। यानी इन फिजी द वोट वैल्यू ऑफ इंडिजीनियस फिजियंस आर मोर देन द इंडियन फिजी। तीसरी जो है आपको इस्तोनिया के बारे में बताया गया। इस्तोनिया जो है, देखिए इस्तोनिया जो है आपने ये नाम जो है क्लास आपको 9th में ही रशियन रेवोल्यूशन में आपको ये चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये मिलेगा। इस्तोनिया, लिथुनिया, ये सब जो है ना ये USSR, रशिया का पुराना नाम है USSR, तो USSR का ही ये जो है पार्ट था। लेकिन रशिया में जो रशियन जो रेवोल्यूशन जो हुआ, ठीक है, 1917 में, उसी समय इस्तोनिया और लिथुनिया ये इंडिपेंडेंट हो गए, यानी यूएसएसआर से अलग होकर ये एक इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पर तब्दील हो गए, ठीक है। और अभी जो है ये न्यूजीलैंड के जो है के बगल में ये देश मौजूद है, ठीक है। तो ये आपको जो है इस्तोनिया में क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो है जो रशियन जो लोग जो है ना रशियन माइनॉरिटी पीपल, ठीक है, तो यहाँ पे रशिया के लोग जो बसे हुए हैं वो अल्पसंख्यक हैं, उनकी संख्या कम है। तो यहाँ पर क्या है कि रशियन माइनॉरिटी पीपल को जो बहुत ही मुश्किल से जो यहाँ पर वोट करने का अधिकार मिल पाता है। तो यहाँ पर इन तीनों चीज़ों से, सऊदी अरेबिया की घटना हो या फिजी की हो या इस्तोनिया को, इन तीनों के बारे में जब आपने को मैंने ये बतलाया तो आप ये समझ सकते हैं कि क्या ये सारे कंट्रीज डेमोक्रेटिक कंट्रीज कहलाने के लायक हैं। जी नहीं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज कहलाने के बिल्कुल लायक नहीं है। देखिए डेमोक्रेसी जो है वो बेस्ड है किस पे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी पे। क्या है? वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। अभी की जितनी भी अभी तक हमने बातें पढ़ी हैं तो अभी तक मेन तीन चीजें हम लोगों के पास निकल कर कंक्लूजन के तौर पर सामने आया। अब देखिए कि पाकिस्तान के स्टोरी से हमने क्या समझा था, पाकिस्तान के स्टोरी से हमने यही जाना, ये कंक्लूजन निकला कि चुने गए जो प्रतिनिधि जो है उन्हीं के पास जो है ताकत होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। जिसे लोगों ने चुना नहीं वही क्या कर रहा है, पावर एक्सरसाइज कर रहा है। चाइना के जो है स्टोरी जो हमने पढ़ा और मेक्सिको की, उससे हमने क्या ड्रॉ किया, क्या कंक्लूजन निकला, उससे ये निकला कि डेमोक्रेसी का ये फीचर है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री और फेयर इलेक्शन, लोगों के पास जो है ना चॉइसेस जो है होने चाहिए रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए। सिर्फ एक ही पार्टी थोप दे वही जो है सब कुछ करे, ऐसा नहीं।
सिर्फ एक ही पार्टी शासन करे, दूसरा कभी को किसी को मौका ही नहीं है, ऐसा नहीं। और तीसरा, अभी जो हमने सऊदी अरेबिया, इस्तोनिया और फिजी के बारे में बताया, इससे क्या कंक्लूजन निकल कर आया? वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है, वो ये है रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। मतलब रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है रूल ऑफ लॉ और दूसरा होता है रूल बाय लॉ। रूल बाय लॉ मतलब होता है कि कानून बना दिए हैं, हम अपने तरीके से कानून बना रहे हैं और उसी कानून पर देश को चला रहे हैं। ये हुआ रूल बाय लॉ, कानून बनाओ और खुद से शासन करो, जैसा मन किया वैसा कानून बनाए, अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए हम कानून बनाए। अरे मुशर्रफ ने क्या किया था, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जारी किया, अपने जो है कार्यकाल को 5 साल के लिए बढ़ाया। तो ये है रूल बाय लॉ। अभी हम लोग एक नेक्स्ट जो है ना जिम्बाब्वे के बारे में पढ़ेंगे, जिम्बाब्वे के बारे में जो पढ़ेंगे उसमें भी आपको यही दिखेगा, अपने मन से कानून बना रहे हैं और शासन किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां के जो नेता जो थे वो बहुत पॉपुलर थे। खैर इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो यहां पर रूल ऑफ लॉ और रूल बाय लॉ का मैं अंतर जो बता रहा था, तो इसमें आप स्पष्ट यही समझिए कि रूल बाय लॉ का मतलब हो गया हम खुद से कानून बना रहे हैं अपने मनमर्जी तरीके से, ठीक है, और हम खुद शासन किए जा रहे हैं। और रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है बने बनाए कानून पर शासन करना, जो कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स और रेगुलेशंस जो है उसी के आधार पर गवर्नमेंट जो होगी वो चलेगी। ये हुआ रूल ऑफ लॉ। याद कीजिए अटल बिहारी वाजपेयी की एक जो है कथा जो उन्होंने अपने मुख से कहा, सरकारें आएंगी जाएंगी पर देश रहना चाहिए। मतलब सरकार आएगा जाएगा, देश रहना चाहिए, यानी इंपॉर्टेंस इसको दिया गया नेशन को। तो यहां पर समझिए क्या रूल ऑफ लॉ का मतलब ये है कि कानून जो बनाया गया है यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉज जो है उन्हीं लॉज पर हर गवर्नमेंट को वर्क करना है। ऐसा नहीं कि कोई गवर्नमेंट आया और वो जो है अपने मन से लॉज बना दिए। लॉज बनाते हैं, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट किया जाता है, प्रोसेस है, प्रक्रिया है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, खुद ही अपने तरीके से नियम बना रहे हैं और ये नियम अपने स्वार्थ के लिए बना रहे हैं ना, अपने हितों के लिए बना रहे हैं, अपने शासन को अपने पावर को एक्सटेंड करने के लिए और खुद ही लेस अकाउंटेबल बनने के लिए। यानी अपनी ताकत को हम बढ़ाएंगे लेकिन जिम्मेदारियां नहीं लेंगे। चलिए जरा जानते हैं जिम्बाब्वे के बारे में। जिम्बाब्वे एक ऐसा अफ्रीकन कंट्री है जिसे आजादी वर्ष 1980 में मिला। वर्ष 1980 में जिम्बाब्वे को आजादी मिला और यहां पर जिस पार्टी ने जिम्बाब्वे के लिए जो आंदोलन जो किया, नेशनलिस्ट मूवमेंट जो चलाया, उसका नाम था जानू पीएफ। जानू पीएफ, ये जानू नहीं है, अना पीएफ है। मतलब समझिए जिम्बाब्वे अफ्रीकन नेशनल यूनियन पैट्रियोटिक फ्रंट, ये है जानू पीएफ का फुल फॉर्म, ठीक है। तो जानू पीएफ जो थी वो बहुत पॉपुलर पार्टी थी और इसके लीडर भी बहुत पॉपुलर थे। जब पार्टी पॉपुलर तो लीडर भी पॉपुलर ना। इसके लीडर थे रॉबर्ट मुगाबे। रॉबर्ट मुगाबे, कंट्री को इंडिपेंडेंस 1980 में मिला और वर्ष 1980 के बाद से यही पार्टी क्या कर रही है, जिम्बाब्वे में शासन कर रही थी। तो इस पार्टी को जो है बहुत ज्यादा समर्थन था लोगों का। नेता भी पॉपुलर थे रॉबर्ट मुगाबे। क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता की लड़ाई जो जिम्बाब्वे की जो है वो इन्हीं पार्टी के द्वारा लड़ा गया था, जैसे भारत में कांग्रेस, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस भारत में, तो वहां पर कौन था, जानू पीएफ। अब क्या होता है कि ये जो पार्टी जो है जानू पीएफ ने किसके खिलाफ लड़ा था इंडिपेंडेंस, किसके खिलाफ, तो व्हाइट माइनॉरिटी रूल के खिलाफ, यानी गोरों की वहां पर शासन थी, ठीक है। व्हाइट माइनॉरिटी यानी गोरे जो थे वो अल्पसंख्यक थे, पता है ना अफ्रीका को कॉलोनाइज जो है किसने किया था,
ब्रिटिशर्स ने, तो गोरों ने, तो यहां पर भी जो है अल्पसंख्यक में थे, कम संख्या में जो गोरे लोग जो थे वही शासन कर रहे थे। इन्हीं से जो है जिम्बाब्वे को वर्ष 1980 में आजादी मिला, और आजादी मिलने के बाद जो पहला जो चुनाव हुआ वो रॉबर्ट मुगाबे जीते, क्योंकि वो पॉपुलर लीडर थे, उनकी पार्टी की जीत हुई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हर बार यही है कि यही पार्टी बार बार जीत रहा है, दूसरा कोई पार्टी को जो है मौका नहीं मिल रहा है। मुगाबे ने क्या किया, रॉबर्ट मुगाबे ने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाया, ठीक है, यानी रॉबर्ट मुगाबे ने जो है अपने पावर को जो है एक्सपैंड किया, ठीक है, और अपने आप को लेस अकाउंटेबल जो है बनाया, यानी अपनी पावर का इन्होंने विस्तार किया, और साथ ही साथ अपने आप को क्या किया, लेस अकाउंटेबिलिटी, यानी जनता के प्रति उत्तरदायित्व जो है वो उन्होंने अपना कम कर लिया, और अपनी ताकतों को क्या किया, विस्तार किया। जो अपोजिशन पार्टीज जो थे उनको हैरेस किया जाता था, उनको टॉर्चर किया जाता था, उनकी मीटिंग्स को जो है डिसरप्ट किया जाता था, बाधित किया जाता था, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो है काम ये था कि देखिए जो न्यूज़पेपर्स जो थे, ठीक है, टेलीविजन जो थे, रेडियो जो थे, ये हमेशा क्या करते थे कि रूलिंग पार्टी जानू पीएफ के ही प्रशंसा में खबरों को दिखाते थे, उसके विरोध में खबरें नहीं दिखाते थे। अब जो इंडिपेंडेंट जो जर्नलिस्ट जो थे, यानी जो है बाहर के जो पत्रकार जो थे, स्वतंत्र जो पत्रकार जो थे, ठीक है, वो अगर किसी तरीके की अगर कोई बातें अगर जो है लिखते हैं तो वैसे जो है जर्नलिस्ट को क्या किया जाता था, बुरी तरीके से पीटा जाता था, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, ये तीन चीज हो गए, ठीक है। चौथा चीज, चौथी बात ये थी कि देखिए पब्लिक प्रोटेस्ट, ठीक है, या डेमोन्स्ट्रेशन, उसको क्या किया गया, इसको इलीगल करार कर दिया गया, यानी इसको जो है गैर कानूनन जो है वो घोषित कर दिया गया। प्रेसिडेंट को अगर क्रिटिसाइज करना है तो उसका भी एक लिमिट कर दिया गया कि आपको किसी हद ही तक जो है आप जो है क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक कि सबसे बड़ी बात ये थी कि जो कोर्ट्स जो होते थे ना उसके भी जजमेंट को रॉबर्ट मुगाबे की गवर्नमेंट नहीं मानती थी। तो इन सभी बातों से आप क्या समझे, ये छह पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए, छह पॉइंट से आपने क्या समझा, क्या यहां डेमोक्रेसी है? जी नहीं, डेमोक्रेसी बिल्कुल नहीं है। तो ना ही यहां पर रूल ऑफ लॉ है और ना ही यहां पर रेस्पेक्ट ऑफ राइट्स है, अधिकारों की भी रक्षा नहीं हो रही है। अरे भाई, डेमोक्रेसी में अगर हम विरोध नहीं करने का हमें अधिकार रहेगा, हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, कोर्ट की आप अगर बात नहीं सुनेंगे, मीडिया को अधिकार नहीं है, तो ये कैसा लोकतंत्र है? तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, आगे के वीडियोस में मैं आपको इस चैप्टर से रिगार्डिंग नेक्स्ट अपडेट्स दूंगा, तब तक के लिए थैंक यू। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दूसरे अन्य बच्चों को भी आप शेयर कीजिए ताकि वो भी आपकी तरह ऑनलाइन पढ़ाई का लाभ